कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। वहीं मुरादाबाद डीएम ने जिला अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट और एमसीएच अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना की तीसरी लहर में किसी मरीज को ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। इस निरीक्षण के दौरान डॉक्टर बेनवाल ने डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह को बताया कि एमसीएच अस्पताल की दूसरी मंजिल पर 24 ऑक्सीजन युक्त बेडों की व्यवस्था है, जिस पर डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने मौजूद सीएमओ डॉक्टर एमसी गर्ग को निर्देश दिए हैं कि वो जिला अस्पताल एमसीएच विंग के साथ लगभग 100 ऑक्सीजन युक्त बेड हर समय तैयार रखें। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन के साथ कभी भी दस्तक दे सकता है, इसलिए पूरी तरह विभाग को अलर्ट रहना चाहिए। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि एमसीएच विंग जिला अस्पताल में तीसरी लहर के मद्देनजर 100 ऑक्सीजन युक्त बेडों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा रेलवे अस्पताल के साथ निजी अस्पताल में भी सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अगर किसी मरीज का तीमारदार किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहता है तो उसे ये सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। देखिए, जैसा हम सभी लोग देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के केसेज लगातार बढ़ रहे हैं और कोविड के थर्ड वेव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, उसको देखते हुए हमारी पूरी टीम अलर्ट पोजीशन में है। आज हम लोग यहाँ पर सीएमओ साहब, सीएमएस साहब, इन लोगों के साथ हम लोगों ने सारी व्यवस्थाओं को विजिट किया है कि जो भी कमियाँ हैं उसको हम लोग अभी तत्काल दूर कर लें, जिससे अगर केसेज बढ़ते हैं तो पेशेंट्स को किसी तरह की असुविधा ना हो। यहाँ एमसीएच विंग में हम लोग 100% रख सकते हैं, इसमें 80 ऑक्सीजन बेड है और 20 हमारा आईसीयू है। इसके अलावा रेलवे हॉस्पिटल है, वहाँ भी हम 50% तक रख सकते हैं। हमारे 4 सीएससी में भी ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं और एक एक सीएससी में हम 50% रख सकते हैं, तो चारों में हम 200% रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर्स के भी काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी अलर्ट कर दिया गया है, उनके साथ बैठक कर ली गई है और आवश्यकता होगी या कोई अगर इच्छुक होगा तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया जाए। इस अवसर पर जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर शिव सिंह, एडिशनल सीएमओ डॉक्टर बेनवाल जी भी शर्मा सहित बड़ी संख्या में चिकित्सक मौजूद रहे। इस मौके पर वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर दीपक ने बताया कि इस समय पूरी टीम का ध्यान वैक्सीनेशन पर लगा हुआ है और सभी को वैक्सीनेशन से लाभान्वित किया जा रहा है।